वेलकम गाइस, स्वागत करता हूं आपको हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए आज के इस इन्फॉर्मेशन भरी वीडियो को हम शुरू करें। इस ड्राइंग का जो डिस्टेंस रहेगा 25 फीट बाई 36 फीट, ओके। इसमें आपको दो बेडरूम देखने को मिलेंगे, ये दो बेडरूम देखने को मिलेंगे, एक और दो। तो चलिए इसे हम शुरुआत करते हैं। इसका ये वाला डिस्टेंस आएगा आपका 25 इंच और ये वाला डिस्टेंस आएगा आपका 36 फीट, ओके 36 फीट। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। ये इसका फ्रंट साइड है, हो गए। यहाँ पास आपको कार पार्किंग का एरिया मिलेगा, ये कार पार्किंग है, ठीक, ये कार पार्किंग है। ऐसे करके यहाँ पास आप कार पार्किंग कर सकते हैं। ये आई है, ये तो पोर्च है, पोर्च टाइप है, यहाँ से यहाँ तक आपका ऐसे करके, ठीक। ये मेन डोर है, यहाँ पास मेन डोर दिया हुआ है, मेन गेट, ठीक। ये मेन गेट है जिसमें आप जस्ट आने पास आपको मिलेगा ड्राइंग रूम। ये ड्राइंग रूम है जिसका ये वाला जो डिस्टेंस है ऐसे करके ये रहेगा आपका 12 फीट और ये वाला डिस्टेंस आएगा आपका ऐसे करके 10 फीट, ओके। फिर जस्ट यहाँ पास आपको आर्च डाल देना है या ऐसे करके खुला छोड़ना है। जस्ट आप यहाँ पास आओगे तो यहाँ पास आपको देखने को मिलेंगे डिनिंग साइड में, ये साइड में आपको डिनिंग एरिया देखने को मिलेंगी, ठीक, जिसका डिस्टेंस होगा ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक का 6 फीट होगा, 6 फीट होगा, ठीक। ये हॉल है आपका ऐसे करके, जिसका डिस्टेंस रहेगा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस रहेगा 8 फीट और ये वाला डिस्टेंस आएगा आपका ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक का, ये रहेगा आपका 14 फीट 5 इंच, ओके, ठीक। तो चलिए हम शुरू करते हैं और एकदम स्टार्ट से। अब इधर साइड में आपको किचन, ठीक, इधर साइड में आपको किचन दिया हुआ है, ओके, जिसका डिस्टेंस रहेगा 8 फीट बाई 8 फीट, ठीक, हो गया। इधर साइड में किचन और जनरली इसमें हमने ओपन किचन दिया हुआ है, ये ओपन किचन। यहाँ पास आपको दरवाज़ा लगाना चाहे तो लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमने ओपन किचन दिया है, यहाँ पास आर्च डालना है आपको खाली, ठीक। इधर साइड में आपको स्टेयरकेस दिया गया है, ऐसे करके सीढ़ियाँ दिया हुआ है, स्टेयर्स कैसे, ठीक, जिसका जो डिस्टेंस आएगा यहाँ से यहाँ तक का ये रहेगा आपका 8 फीट और ये वाला डिस्टेंस रहेगा आपका ऐसे करके यहाँ से यहाँ तक का, ये भी आपका 8 फीट, ओके। ये हर ये लैंडिंग एरिया आपका 3 फीट का रहेगा और ये हर स्टेप आपका 3 फीट का रहेगा सीढ़िया का, ठीक। और इधर साइड में आपको टॉयलेट दिया हुआ है, लेट, ठीक, ये टॉयलेट है जिसका डिस्टेंस रहेगा आपका 6 फीट बाई 8 फीट, ओके। ये 6 फीट बाई 8 फीट, ये वाला डिस्टेंस आपका 6 फीट रहेगा और ये वाला आपका 8 फीट, ओके, ऐसे करके इसका डोर आपको यहाँ पर डालना है। फिर इधर आपको फर्स्ट बेडरूम देखने को मिलेंगे, ये बेडरूम है, ये बेडरूम है जिसका साइज रहेगा ऐसा, ये वाला डिस्टेंस आएगा आपका 12 फीट 12 फीट और ये वाला आपका डिस्टेंस आएगा ऐसे करके 10 फीट, ठीक। इसका डोर यहाँ पास रहेगा, ये वाले जो बेडरूम है, ठीक, ये बेडरूम है, सिंपल बेडरूम है फुल साइज का, इसका भी सेम डिस्टेंस है ऐसे करके, ये वाला एरिया आपका डिस्टेंस 12 फीट और ये वाला दूरी आपका 10 फीट, ये वाला चौड़ाई, ठीक। ये हो गया, ये बिल्कुल सिंपल है। इसमें एक टॉयलेट दिया हुआ है आपको, एक किचन दिया हुआ है ओपन और एक ड्राइंग रूम दिया हुआ है जिससे आपका मेन डोर है, ठीक। यहाँ पास आपको डिनिंग एरिया, यहाँ पास सीढ़ी और दो बेडरूम दिया हुआ है। तो अब इसका विंडो है ऐसे करके, यहाँ यहाँ पास आपको विंडो प्रोवाइड कराना है, ये ऐसे करके, ठीक। ये किचन में भी विंडो है, ये यहाँ पास भी विंडो है, एक लैंडिंग एरिया पर भी आपको विंडो डाल देना है। चलिए हम इसके जो आउटसाइड दीवार को आपको रखना है 5 इंच, ठीक, 5 इंच का आउटसाइड दीवार रहेगा, 5 इंच का, और इनसाइड भी आपका 5 इंच का रहेगा जो वॉल साइज है, हो गए। तो चलिए हम अब इसके जो कॉलम एरिया है उस पर हम टिक लगा देते हैं। ये यहाँ यहाँ पास आपको कॉलम प्रोवाइड कराना है ऐसे करके, ठीक, ऐसे करके यहाँ यहाँ पास आपको कॉलम प्रोवाइड कराना है, ऐसे करके, ठीक,
ये आपका कॉलम एरिया है, एक यहाँ पास और रहेगा। जो कॉलम आप प्रोवाइड कराएंगे उसका साइज रहेगा 10 इंच इंटू 10 इंच। ठीक, इसका आपका कॉस्ट आएगा ये घर को बनाते समय 5 लाख। 5 लाख में ये घर आपका बनकर तैयार हो जाएगा। ठीक, तो गाइस हमारा ये नक्शा प्लान किया हुआ हाउस घर कैसा लगा प्लीज़ नीचे कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं किसी और नए नक्शे के साथ, तब तक के लिए अलविदा।